नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DSVB TV और मैं तनुषा वर्मा आपका स्वागत करती हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है सच्ची आजादी। आज पूरा देश राष्ट्र प्रेम व राष्ट्र सेवा में सराबोर है और आखिर हो भी क्यों ना, यह जश्न है आजादी का। गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए भारत का 72 साल का यह सफर शहीदों के लहू से सिंचित है। जाने कितने ही बलिदानी अतीत के पन्नों में खो गए जो आज हमारी आजादी को सड़क के चौराहे पर खड़े और धूल भरी तस्वीरों पर लटके हुए देख रहे हैं। क्या ये वही आजादी है जिसका सपना उन्होंने देखा था? उन शहीदों का क्या जिनकी जवानी की कीमत पर हम अपना वर्तमान और भविष्य सवार रहे हैं। आज उस नोट का गांधी भी शर्माता होगा जब आजाद भारत में भी वह खुद को रिश्वत की जंजीरों में जकड़ा पाता है। आज के इस आजाद भारत में तो वह लौह पुरुष भी पिघल गया है जिसने देश को एकता की एक अनूठी माला में पिरोया तो सही, किंतु वह माला जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बिखरती जा रही। आज भारत में युवा शक्ति की कोई कमी नहीं है, पर आजादी के लिए जिस उम्र में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूम लिया था, उस उम्र में यह युवा राष्ट्र के लिए अपनी जिम्मेदारी तक को अनदेखा कर रहा है। सिर्फ व्हाट्सएप DP और फेसबुक स्टेटस तक सीमित यह देशभक्ति केवल दिखावा भर रह गई है। कहीं नेता झाड़ू लगाकर खुद को चमका रहा है तो कोई स्टेटस पर ज्ञान की बातें चेप रहा है, लेकिन गंदगी वहीं की वहीं है, फिर वह विचारों में हो या सड़कों पर। वहीं एक और है देव संस्कृत विश्वविद्यालय, जहां युवा शब्द की परिभाषा को फिर से गढ़ा जा रहा है। यहां स्वच्छता अभियान व विचार क्रांति का एक अनूठा संगम देखा जा सकता है। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। यहां देशभक्ति केवल दो दिनों की मेहमान नहीं है, वह तो यहां की दिनचर्या में रची बसी है। शहीदों के सम्मान के लिए यहाँ किसी अफसर का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी मानकर इसका निर्वाह किया जाता है। हर महीने महापुरुषों व शहीदों की जयंती को छात्रों द्वारा मनाया जाता है। देश के प्रति कर्तव्यों का बोध, समाज के प्रति जिम्मेदारी और स्वयं के सुधार के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने भी यही कहा है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमारे गुरुदेव का मानना है कि स्वदेशी एक समाधान है बेरोजगारी का, वह संरक्षक है प्रकृति का तथा उत्थान है समाज व राष्ट्र का। आज पूरे भारत में विदेशी उत्पादों को अपनाना एक स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि विदेशी बैसाखियों पर कोई भी देश ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। देव संस्कृति विश्वविद्यालय इस बात को अच्छी तरह समझता है। स्वदेशी उत्पादों व स्वावलंबन की एक नई पहल को शुरू करने में तथा बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हल करने के लिए जमीनी स्तर पर कोशिशें कर रहा है। टाउ बेस्ड प्रोडक्ट्स, जूट प्रोडक्ट्स, स्क्रीन प्रिंटिंग इत्यादि, इन सभी विभागों में विद्यार्थियों तथा आम लोगों को भी ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वह स्वावलंबी बनकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। आजादी सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि इसके साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी जुड़े हैं। इस संदेश का पालन कर देव संस्कृत विश्वविद्यालय समाज में एक नई अलख जगा रहा है। 72वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम आशा करते हैं भारतीयता तथा राष्ट्र सेवा का सही स्वरूप हम आप तक पहुँचाने में सफल रहे। जय हिंद, जय भारत।